Hello and welcome to my channel. This is Harshita Sharma, and we'll see the explanation of Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, today. If you want the explanation of whole chapter, you can go to the description box and can click the link of the full chapter. Let's start with it. देखो क्या होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो आसियान नेशंस का जो रीजन है मैं पहले आपको वो देश दिखाती हूँ जो आसियान में आते हैं. यहाँ पर आप इस मैप पर आइएगा. ये जो मैप है थोड़ा सा ब्लर्ड है, तो मैं आपको एक और मैप में यहाँ पर आसियान के बारे में और ढंग से बताती हूँ. सो वेल वी आर हेयर एट आसियान. यहाँ पर आप देखिएगा ये सारे आसियान नेशंस हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, देन सिंगापुर, तो ये जो जितने भी फिलीपींस, देन ये जितने भी हैं ये सारे आसियान के नेशंस हैं. और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी तो इन नेशंस पे बड़ा ही डिस्ट्रक्शन हुआ था, जैसा कि सेम इंडिया के साथ सिचुएशन थी. इन्होंने भी गुलामी झेली है, यूरोपियंस की भी, जैपनीज़ की भी. और इंडिया की तरह जब ये भी इंडिपेंडेंट हुए तो बड़ी पॉवर्टी थी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी और नेशन बिल्डिंग की प्रॉब्लम्स इनको आ रही थी. उन चीज़ों से ये लोग गुजरे हैं, ये जो नेशंस हैं ये गुजरे हैं. तो अभी आता है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि आसियान. आसियान इस्टेब्लिश किया गया था 1967 में पांच कंट्रियों के द्वारा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. बैंकॉक डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग आसियान जो है वो इस्टेब्लिश हो गया था 1967 में. इसका जो ऑब्जेक्टिव था आसियान का वो प्राइमरली यही था कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी अच्छी हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड नेशंस थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. और इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी अच्छी होगी, सोशल प्रोग्रेस हो, हमारी कल्चरल डेवलपमेंट भी हो उसके थ्रू. सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो आसियान कंट्रीज का था वो ये था कि रीजनल पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे. ठीक है, हमारा जो ये नेशन है ऐसा ना हो कि हम लड़ाई लड़ुई और एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ के रहें, हम शांति से रहें, स्टेबल रहें और अब हर कोई अपने अपने डेवलपमेंट करे इंस्टेड ऑफ एक दूसरे से लड़े झगड़े. तो इसीलिए इन्होंने आसियान जो है इस्टेब्लिश किया था. ओवर द ईयर्स क्या हुआ, पांच और कंट्रीज जुड़ गई, ब्रुनई, डेरुसलम, वियतनाम, लाओ पीडीआर, म्यांमार जिसको पहले बर्मा कहते थे और कंबोडिया. इन्होंने आसियान की स्ट्रेंथ को 10 कर दिया जो कि पहले थी 5. 2003 में इन्होंने आसियान कम्युनिटी इस्टेब्लिश की. थ्री पिलर्स थे आसियान कम्युनिटी के, पहला आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी और आसियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी. अब यहाँ पर देखिएगा एक छोटा सा फ्लैग आसियान का है, अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है. तो आसियान का लोगो है ये, यहाँ पर आप देखिएगा तो 10 स्टॉक्स हैं राइस के, राइस के 10 दाने यहाँ पर हैं और चावल के. और 10 इस वजह से है क्योंकि ये 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि एक दूसरे के साथ ऐसे बंधे हुए हैं इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडेरिटी, यानी कि एकता और अपनी फ्रेंडशिप में बंधे हुए हैं, दोस्ती और एकता में. और जो ये जो सर्कल है ये सिंबलाइज करता है आसियान की एकता या फिर यूनिटी. आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी है ये क्यों बनाई गई थी, ताकि जो भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, कोई सीमा की लड़ाई है अगर दो देशों के बीच में, तो कहीं वो भयानक रूप ना ले ले जिसमें कि आर्म्ड वायलेंस ना हो जाए, कि लोग हथियार ले ले करके लड़ने ना लग जाए. इसको प्रिवेंट करने के लिए आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी बनाई गई थी. देन आसियान रीजनल फोरम जो है वो एस्टेब्लिश हुआ 1994 में, जिसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी का कोऑर्डिनेशन जो है वो कैरी आउट किया गया. ठीक है, लेकिन आसियान जो है
unlike EU एक इकोनॉमिक एसोसिएशन है मेनली, ठीक है, मतलब मेन काम उसका इकोनॉमी से रिलेटेड ही है, पॉलिटिक्स में वो इतना ज़्यादा घुसती नहीं है। आसियान एक एज अ रीज़न, अगर हम आसियान की इकोनॉमी को कंपेयर करें तो यूएस, ईयू और जापान जैसी कंट्रीज जो हैं उनसे काफ़ी छोटी है, लेकिन इन तीनों से बहुत ज़्यादा फास्ट जो है वो ग्रो कर रही है। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है उसका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये भी था कि एक ऐसा कॉमन मार्केट और प्रोडक्शन बेस क्रिएट किया जाए आसियान स्टेट्स में, यानी कि जो खूब सारी आसियान कंट्रीज़ हैं इनका कॉमन मार्केट हो और जो प्रोडक्शन हो वो भी कॉमन प्रोडक्शन हो, ठीक है, ताकि यहाँ की जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इस एरिया की वो ज़्यादा अच्छी हो। देन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है वो ये भी चाहती है कि हम आसियान का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो है वो अच्छा करें, ताकि जो जितने भी इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह रिजॉल्व हो सके और कंट्रीज़ में शांति बनी रहे। देन आसियान जो है उन्होंने अपने आप को इस चीज़ पे भी फोकस किया है कि हम फ्री ट्रेड एरिया जो है वो बनाएं इन्वेस्टमेंट, लेबर और सर्विसेज के लिए, जहाँ पर ट्रेड बैरियर्स कम होंगे और ट्रेड ज़्यादा अच्छा हो सकेगा। देन आसियान ने कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में भी शांति बनाने की कोशिश की है, जैसे कि कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट, ईस्ट तिमोर क्राइसिस, और एनुअली ये लोग मीट करते हैं ईस्ट एशियन कॉपरेशन के लिए, ठीक है। इजेंट इंडिया पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर सो क्लोज टू आसियान कंट्री। मुन्नी कह रही है कि इंडिया क्या पार्ट नहीं है साउथ ईस्ट एशिया का, क्योंकि इंडियन कंट्रीज़ जो हैं नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के ज़्यादा करीब है। या इट इज़, बट इंडिया मेनली कम्स इन साउथ एशिया। फिर तो ये कहना चाहिए कि चाइना भी साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट होना चाहिए, चाइना का तो इतना सारा एरिया जो है यहाँ पर है, बट या इंडिया प्राइमरली कम्स इन द साउथ एशिया। देन आसियान जो है, आसियान की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और इसकी इकोनॉमिक रेलेवेंस बहुत अच्छी है, और ये एक अच्छा ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स है इंडिया और चाइना जैसी कंट्री के लिए, बड़ा ही उनको अट्रैक्ट करता है। कोल्ड वॉर के टाइम इंडिया ने आसियान को इतनी ज़्यादा अटेंशन दी नहीं थी, ठीक है, उनको पता ही नहीं था, मतलब कोई इग्नोरेंस इग्नोरेंट था इंडिया जब तक कोल्ड वॉर थी, ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे इंडिया ने अपने चेंजेस लाने लगे और लुक ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट हुई। फिर अब श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी चलाई है, इसके अलावा इंडिया ने FTA साइन कर लिया है आसियान के साथ, सिंगापुर और थाईलैंड जैसी कंट्रीज़ है उनके साथ अलग से भी FTA है, लेकिन अभी अभी करंटली इंडिया ने आसियान के साथ भी अपना FTA साइन कर लिया है। एक और चीज़, अगर आप इसमें कुछ यूनिक ऐड करना चाहते हैं तो आप 2-3 लाइंस में एक अच्छा सा कोट RCEP से रिलेटेड कर सकते हैं, थोड़ा सा उस पर सर्च करके, या फिर इंडिया और आसियान का कितना ट्रेड रहता है, इंडिया चाइना की क्या कंपटीशन है आसियान को लेकर के, कई सारी चीज़ें होती हैं। इफ़ यू सर्च थोड़ा थोड़ा, आप 2-3 लाइनें अपने आंसर में करंट अफेयर की भी ऐड कर सकते हैं, तो उसको भी कीजिएगा। आसियान शायद एशिया की ऐसी इकलौती रीजनल एसोसिएशन है जो कि एक पॉलिटिकल फोरम देती है एशियन कंट्रीज़ या जितनी भी बड़ी पावर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, ताकि वो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो डिस्कस कर सके। व्हाई डिड आसियान सक्सीड वेयर सार्क डिड नॉट? इज दिस बिकॉज दे डू नॉट हैव वन डोमिनेंट कंट्री इन दैट रीजन? देखो यार, यहाँ पर ये जो कार्टून है, सार्क से मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। सार्क एस्टेब्लिश किया गया था किन कंट्रीज़ के बीच में? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसी कंट्रीज़ के बीच में, और आसियान जो है वो हमने इस चैप्टर में देख ही लिया है। अभी
अब ये कार्टून ये बात कहता है कि आसियान तो सक्सेसफुल हो गया, सार्क सक्सेसफुल नहीं हुआ, बिल्कुल सार्क में सक्सेसफुल नहीं है। बीच में तो मतलब कई बार लड़ाई हो करके वो कॉन्फ्रेंस भी बंद कर दी जाती है, और मतलब इतना सक्सेस नहीं रहा है सार्क। तो ये कहता है आगे कि इस वजह से नहीं रहा क्योंकि सार्क में तो एक डोमिनेंट कंट्री है, जबकि आसियान में कोई डोमिनेंट कंट्री नहीं है। डोमिनेंट कंट्री से इसका मतलब है कि इंडिया, इंडिया सार्क में डोमिनेंट कंट्री है और आसियान में कोई भी नहीं है। इस वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक प्राइमरी रीज़न ये है कि ओल्ड राइवलरीज बहुत ज़्यादा हैं, पुरानी दुश्मनी। मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया और पाकिस्तान में काफ़ी शांति वार्ता और काफ़ी अच्छे रिलेशंस मेंटेन होने के पहले ही वो टूट जाते हैं, और इस वजह से उतना कॉपरेशन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ भी हैं, मतलब कि थोड़ी लड़ाई ज़्यादा है, थोड़ा रीज़न वो जो है वो थोड़ा सा टेंस्ड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। इस वजह से कहीं ना कहीं सार्क का ऑब्जेक्टिव फेल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ओल्ड राइवलरीज अभी भी हैं, जबकि आसियान में ऐसा कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और वो ज़्यादा अच्छी तरह अपने आप को वो कर पाते हैं, क्या कहेंगे उसे, अब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर पाते हैं।